ओके गुड मॉर्निंग गे स्टूडेंट्स तो बेटे लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारा टॉपिक क्लियर किया हुआ था जैसे इंडक्टिव इफेक्ट देन आफ्टर कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल देनाटिक फिशन और होमोलैटिक फिशन ये सब टॉपिक्स uh, मतलब हमने देखे थे नाउ इन दिस लेक्चर वी डिस्कस द टू टॉपिक ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बेटे ध्यान दो ये सब टॉपिक अप्लाइड है तो आपको प्रॉपर तरीके से करना है और लास्ट जो टेस्ट था मतलब लास्ट लास थर्स को टेस्ट था तो बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया है तो बेटे प्रैक्टिस करो डाउट है तो पूछो ठीक है तो अभी इन दिस लेक्चर वी डिस्कस द टू टॉपिक ऑफ रेजोन इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तो यहां पर फर्स्ट मैंने लिखा है रेजोनस इफेक्ट तो लिखा है द इफेक्ट इज डिफाइंड एज अ पोलोरिटी प्रोड्यूस इन इन मॉलिक्यूल्स बाय इंटरशन्स ऑफ टू पाई बॉन्ड्स और बिटवीन अ पाई बॉन्ड्स एंड लॉन् पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन एन एडजस्ट एटम्स द इफेक्ट इज ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द चेन बेटे ध्यान दें यहां पे तो इन दिस इफेक्ट क्या होगा कि दो पाई बॉन्ड या फिर पाई बॉन्ड और लॉन्ग पेयर के बीच में जो होगा इफेक्ट होगा और यहां पे क्या होगा ये जो इफेक्ट पूरी कहां ट्रांसफर होगी इन द चेन ऑफ रिंग और कार्बन ओके सो हैविंग टू टाइप्स ऑफ इफेक्ट प्लस आर इफेक्ट एंड माइनस आर इफेक्ट तो मैंने एक और बेटे लिखा है प्लस एम एंड माइनस एम दैट इज कॉल्ड मैथमेरिक इफेक्ट या फिर इसको बोलते बेटे रेजोनेंस इफेक्ट सेम एस

एनिलिन ओके okay? तो एनिलिन का एग्जाम्पल यहां पर ले रहा हूं मैं पूरा समझो जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था ना और दूसरा क्या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन तो टू अनदर एटम इन अ फिनोक्साइड आयन लास्ट मैंने डिस्कस बेटा किया था रेजोनेंस में तो यहां द कंटेंट लाइक एनिलिन ओके यहाँ पे बेटा ये एनिलिन है दैट इज एन एच टू दैट इज कॉल्ड एनिलिन जो एक्स्ट्रा है दिस इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वट इज द मीनिंग ऑफ लॉन पेयर द इलेक्ट्रॉन पेयर डू नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल बॉन्ड दैट इज दॉन पेयर तो बेटे ध्यान यहां पे होगा क्या तो ये है बेटे प्लस इफेक्ट तो होगा क्या ये जो द इलेक्ट्रॉन गोइंग टूवर्ड्स बॉन्डिंग साइड मतलब होगा कि यहां पे ध्यान दो पूरा समझो तो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चला गया लिखा न लॉन पेयर टू पाई बॉन्ड सो so, यहां पे, इन दिस इफेक्ट आराम से समझो इसको तो यहां पे था NH2 ग्रुप तो जो दो इलेक्ट्रॉन थे इट इज गोइंग टुवर्ड्स इन द बॉन्ड साइड तो यहां पे क्या बन गया बेटे बॉन्ड तो यहां पे चार्ज क्या, प्लस क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया बेटे डोनेट किया क्लियर तो इस कार्बन के चलो यहां तो बॉन्ड था यहां बॉन्ड था यहां बॉन्ड था और यहां बॉन्ड था बेटे ठीक है यहां पर तक तो बॉन्ड था पर हुआ क्या यहां पे बेटे इस कार्बन का बॉन्ड कितना हो गया एक दो तीन चार पांच तो पॉसिबल है नहीं तो होगा क्या दैट टाइम ये जो इलेक्ट्रॉन गोइंग टूवर्ड्स दिस वन साइड मतलब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए इस पे तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटे दो इलेक्ट्रॉन लिख दिया इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो ऑब्वियसली चार्ज यहां पे क्या बेटे? आएगा बेटे माइनस आएगा देन अगर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते रहेंगे इन द कंज सिस्टम तो फिर से क्या होगा यहाँ पे द इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग टू वन टू अनदर कार्बन फिर से दिस इलेक्ट्रॉन गोइंग इन टू बंडिंग साइड ओके और ये इलेक्ट्रॉन कहां पे आएंगे और दिस कार्बन तो होगा क्या यहां बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रॉन गोइंग और दिस कार्बन यहाँ पे क्या बन जाएगा लॉन्पेयर पूरा जाएगा तो कुछ यहाँ पे ऐसा बनेगा ओके okay? तो इट इज गोइंग टू बॉन्डिंग साइड तो बॉन्ड यहाँ पे बन गए बेटे यहाँ पे आ गया दो पेयर चार्ज माइनस बाकी यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे आएगा एन एच टू इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया तो चार्ज बेटे क्या आया प्लस आया ओके okay? और यहाँ पे एज इज था

चलो यहाँ पे आया डबल बॉन्ड एन एच टू यहाँ पे क्या हो गया बेटे प्लस होगा देन दिस बॉन्ड इज दिस लोन इट इज कन्वर्ट इन अ बॉन्डिंग तो यहाँ पे हो गया यहाँ पे एक दो और चार बेटे क्या आया अभी भी हो सकता है बेटे अगेन लास्टली द फिर से बेटे ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आए यहाँ पे और ये वापस कहाँ पे चलेंगे एज इट डिस्पेस पे चलेंगे दैट इज द इफेक्ट ऑफ प्लस आर इफेक्ट ओके सो यहां पे आ गया बॉन्ड 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 यहां पर आया एनएच टू और यहां पर बेटे आया लास्ट मैंने ये लिख दिया ठीक है तो दैट इज कॉल्ड प्लस आर इफेक्ट तो क्या हुआ इलेक्ट्रॉन इज अवे फ्रॉम एटम्स और ग्रुप अगर मैंने यहां पे बेटे सी ले लिया चलो मानो कि यही मैंने लिखा बेटे ये ग्रुप हो गया सेम आई जस्ट टेक अ वन मोर एग्जाम्पल विद द क्लोरिन चलो ये हो गया सेम एज मैंने यहाँ पे लिया बेटे क्लोरिन चलो ये आपने लिख लिया बेटा पूरा तो यहाँ पे मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्लोरिन का ध्यान दे बेटे मैं पूरा निकाल रहा हूँ एक बार पूरा देख लो ध्यान से ओके सो so यहाँ पे ये ग्रुप हो गया वैसे आई जस्ट टेक अ एटम जैसे अपने पास क्लोरोबेंजीन है बेटे यहां पर क्लोरिन तो आपको पता है क्लोरीन के आउटर मुस् ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है एक दो तीन चार पांच छ और ये सात तो नंबर सेवन इलेक्ट्रॉन मेकिंग विद बन कार्बन तो बाकी जो बचा मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटे एक दो तीन चार पाँच और ये अभी सेम एज होगा क्या इलेक्ट्रॉन गोइंग टूवर्ड्स इन बंडिंग साइड ये कहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा सॉयल मेक और एजोन स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोनियम आयन तो यहाँ पे होगा क्या बेटे पूरा समझो एक बार टॉपिक समझ में तो कोई टेंशन होगा नहीं यहाँ पे आएगा सी एल प्लस चार्ज एक दो तीन और चार हो गया तो इलेक्ट्रॉन गोइंग हियर तो यहाँ पे क्या आएगा बेटे एक और दो और माइनस चार्ज यहाँ आ गया बाकी सब एज इट इज देन शिफ्टिंग द दे इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर टू हियर इलेक्ट्रॉन गया बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया तो फिर क्या होगा यहाँ से फिर से ये अपन हो गया दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक चला गया बॉन्डिंग में यहाँ पे एक दो चार्ज माइनस यहाँ पे डबल बॉन्ड सी एल एक दो तीन चार और बेटे चार यहाँ पे आया प्लस आ गया यहाँ बॉन्डिंग एज इट इज बेटे देन अगेन क्या होगा फिर से ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चला गया ये इलेक्ट्रॉन बेटे यहाँ पे आ गया तो क्या बनेगा फिर जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसे बनेगा आपका ओके okay? यहाँ पे आया डबल बॉन्ड सी एल प्लस दो पेयर चलो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तो माइनस चार्ज यहाँ पे बॉन्ड और यहाँ पे बॉन्ड लास्ट में वी कैन मेक अ वन मोस्ट स्ट्रक्चर जो बुक्स में नहीं है इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग टूवर्ड्स बॉन्डिंग साइड और ये वापस सी एल पे चला गया तो क्या होगा बेटे यहाँ पे दैट इज कॉल्ड रेजोलेंडिंग स्ट्रक्चर तो इससे क्या होगा रेजोल्डिंग स्ट्रक्चर से स्टेबिलिटी इज इंक्रीज इससे क्या होगी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी मॉलिकल्स की इंक्रीज हो जाएगी ओके क्लियर दैट इज कॉल्ड प्लस आर इफेक्ट सेम इज आई टेक अ वन मोर एग्जांपल ऑफ माइनस आर इफेक्ट ओके यहां तक आपका क्लियर वेड हो गया तो यहां पे वी आर डिस्कस द सेकंड टॉपिक्स दैट इज कॉल्ड माइनस आर इफेक्ट तो इसमें कुछ नहीं होगा माइनस में मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा इसमें क्या हुआ इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द एटम्स और ग्रुप उसमें क्या इलेक्ट्रॉन इज टूवर्ड्स फ्रॉम एटम्स और ग्रुप तो यहां पर सिर्फ चेंज कितना करना है इन दिस इफेक्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉनिज टुवर्ड्स मतलब उसकी ओर जाएगा टूवर्ड्स फ्रॉम एटम्स और ग्रुप अटैचमेंट टू द कॉन्जरेटेड सिस्टम सो यहां पर नाइट्रो बेनजीन ओके नाइट्रोबेंजिन का सिंबल आपको पता है बेटे दैट इज अ नाइट्रोबेंजिन दैट इज अ नाइट्रोबेंजिन ऊपर आएगा एनओ बेटे ध्यान दो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो नाइट्रोजन के आउटर रूम्स में कितने इलेक्ट्रॉन है वी नो दैट एक दो तीन चार और ये हो गया पांच और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे सिक्स थे एक दो तीन चार पांच और ये ऑक्सीजन के आउटर मोर्च में और एन के आउटर मोश में कितने बेटे फाइव ये आपको पता होना चाहिए ठीक है नाउ वी आर डिस्कस द माइनस आर इफेक्ट और माइनस एन इफेक्ट उसमें क्या लिखा है इन दिस इफेक्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टूवर्ड्स फ्रॉम एटम और ग्रुप अटेस्ट टू द कंज सिस्टम तो वी द एक्साम्पल ऑफ नाइट्रोबेंजिन सो यहां पर आय जस्ट मेक अ स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोब इंजन ओके okay. ये पूरा नाइट्रोजन डबल बॉन्डो एक दो तीन चार ओके या फिर उस तरफ कर दो तो भी चलेगा यहाँ पे मैं उसको ड्रॉ करता हूँ वन ऑक्सीजन पे एक दो तीन चार पाँच छः और डबल बॉन्ड यहाँ पे बैठ जाएगा ऑक्सीजन पे कौन है एक दो तीन और ये चार है ओके okay? तो वही हिसाब से आई विल मेक अ स्ट्रक्चर ऑफ दिस वन ओके तो ये पूरा बेटे ध्यान से देख लो तो इसकी जरूरत नहीं तो मैंने इसका एरो छोड़ दिया बेटे दैट इज अ कोऑर्डिनेशन कॉल एंड बॉन्डे ओके सो बेटे ध्यान दो अभी वही होगा वी आर डूइंग द स्ट्रक्चर ऑफ दिस वन सो शिफ्टिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चलेंगे चले जाएंगे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन गोइंग टूवर्ड्स बॉन्डिंग साइड तो होगा क्या वहाँ पे बनेगा डबल वन बन बनेगा तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा ध्यान दे बेटे पूरा ये हो गया नाइट्रोब का डेजनोनिक स्ट्रक्चर यहाँ पे आएगा एन ए इलेक्ट्रॉन गोइंग टुवर्ड्स ओ साइड तो यहाँ पे चार्ज बेटे क्या आएगा एक दो तीन चार एक एक्सेप्ट एक किया चार्ज माइनस आ गया बेटे यहाँ पर और यहाँ पे तो बन को एज लिखना है बेटे ऑक्सीजन अभी शिफ्टिंग हो गया ना बेटे तो इधर चार्ज क्या आएगा प्लस आएगा बाकी सब एज इट इज आया समझ में देन फिर से क्या करना है बेटे शिफ्टिंग द दे इलेक्ट्रॉन तो यहां से इलेक्ट्रॉन सॉरी यहां से इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा दिस इलेक्ट्रॉन गोइंग टूवर्ड्स बॉन्डिंग साइड प्लस आएगा तो फिर स्ट्रक्चर अपना क्या बनेगा पूरा समझो है इजी टॉपिक एंड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एक दो तीन चार पाँच छ माइनस चार्ज एक्सेप्ट किया यहाँ पे एज इट इज तो होगा क्या बॉन्ड यहाँ बन गया चार्ज प्लस बेटे यहाँ पे आया और यहाँ पे एज इट इज अगेन क्या होगा दिस इज गोइंग टूवर्ड्स बॉन्डिंग साइड मतलब इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया ना तो बना के अपना स्ट्रक्चर एज इट इज ऑक्सीजन एक दो तीन चार पाँच छ चार माइनस एज इट इज बॉन्ड विथ द ऑक्सीजन तो ये बेटे यहाँ पे क्या हो गया शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्लस आया यहाँ बन गया बॉन्ड यहाँ बन गया बॉन्ड एंड लास्ट में क्या होगा फिर से यहाँ तो बेटे डबल बॉन्ड है ही ना इधर भी क्या double bond है डबल बॉन्ड है ओके ये भी कोई क्या होगा डबल बॉन्ड होगा अगेन क्या होगा बेटे दिस इलेक्ट्रॉन गोइंग टूवर्ड्स दिस वन साइड एंड दिस इज गोइंग टू क्या बनेगा लास्ट में स्ट्रक्चर में सिर्फ जो साइक्लिक स्ट्रक्चर में बॉन्डिंग का डिफरेंस आ जाएगा दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस ऑफ नाइट्रोबेंजिन यहाँ पे एन या एज इट इज यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड दो लॉन पे रह गए बेटे और शिफ्टिंग द इलेक्ट्रॉन हियर हियर एन हियर क्लियर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ तो ये बेटा हो गया दैट इज कॉल्ड माइनस आर इफेक्ट क्लियर मतलब इलेक्ट्रॉन अपने बेटे पूरा टुवर्ड्स तो गोइंग टू एटम साइड और ग्रुप साइड क्लियर ये अपना बेटे हो गया प्लस एम और माइनस एम प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट क्लियर ये पूरा ध्यान से बेटे देख लो ठीक है